राग बहे जम राम मसन ध्यान बहे जो धन के धरे को एक त्रिया बहे पत संग जरे और पुत्र बहे जो पिता के बहे को कहीरा बहे घन चोट सहाय और बीरा बहे मुख लाल हाँ तो आइए कुछ समय के लिए आपको लीला की तरफ लेकर के चल रहे हैं। हाँ तो आइए आपके समक्ष मंजा का वनुवास और लड़की पैदाइश को लेकर के चल रहे हैं। हमारे देश भारत में एक जगह है जिसे हम लोग एक नरवर के नाम से जानते हैं और वहीं की कहानी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं कि भारत खंड के बीच बसे एक नरवर खेरो भारत खंड के बीच बसे एक नरवर खेरो माँ के प्रथम भूप बड़ो जको राज घनेरो महल में रानी एक से बैठी नार करे आप समय बाला हर नाय भयो काऊ के गोद खिले बेको के पाप कछ पसले करे आई भोगत रही बाई के दाया लाल कांस है होए लाल नाय किस्मत में लिखवाया के मन जा के संचत में लग रही आस छह महीना के गर्भ से सुप्रथम ने मन जहे कह दीनों वनवास के मन जा को खाए वो कर्म लपेटा शंटी वन के बीच जन्म लयो एक नल छत्तीसो एक समय राजा प्रथम का राज दरबार लगा हुआ है। मन में विचार आया कि मुझे बहुत समय हो गया मैंने शिकार नहीं खेला है, आज मैं मंत्री को लेकर के शिकार करने के लिए जाऊंगा। तो मंत्री को बुलाया और कहने लगे हे बेटा राजमंत्री, अरे कहिए सरकार, मेरा मन करता है कि आप शिकार करने चलो। क्या शिकार खेलने के लिए चलोगे? हाँ। तो हम भी चलेंगे शिकार खेलने के लिए। तुम काय का शिकार करोगे? तुम किसकी शिकार खेलोगे? राजाओं क्षत्रियों के धर्म होते हैं कि हमेशा शेर का शिकार करते। तुम शेर की खेलोगे तो हम सवा शेर की खेलेंगे। सवा शेर क्या होता है? सवा शेर और शेर क्या होता है? अरे शेर तो एक बनी का राजा होता है। तो सवा शेर एक बनिए का राजा होता है जो तख्त पे धर के तोला जाता है। कैसे? ऐसे शेर में पाँव मिला दो तो सवा शेर बन गया। आइए चलता हूँ। ठीक है, तुम तैयार हो लो तब तक हम तुम्हारा हाथी तैयार करते हैं। ठीक है मास्टर। अरे हाथी रे सजाई रहो मेरे मास्टर हित में।
इधर राज मंत्री महलों में राजा प्रथम का हाथी तैयार करता है। इधर क्या हुआ मास्टर? राजा प्रथम को देख करके मेहत रानी अशगुन करने लगी।
दमाद को सासु कहते हैं, जो लागत है सासु सासु को मात बताते। अरे जमानो कल युग आयो है, मैया दई मार निखार नार को गले लगायो। अरे करी ले जाने असगुन मेहतरानी माइयर गलियन में, ये समय फिर धमकी पर गई है नजर में। अरे तो राजमंत्री देखो तुम्हारी कुछ नजर में आया। हाँ देखा है। ये मैत्रानी तीन बार झाड़ू जमीन पे मार के मुंह फेर के बैठ गई। इसने असुन किया है, जाओ इसे पूछ करके आओ कि तूने ये क्या किया है। वो खुद बताएगी कि मैंने ये क्या किया है। ठीक है, ऐसा ही होगा महाराज। अरे मैत्रानी भाभी बताओ क्या बात है। ये बताओ ये तुमने मुंह फेर के और तीन बार झाड़ू मार के कैसी बैठ रही हो। तुम्हें नहीं मालूम है हम इसलिए बैठ गई जो तुम्हारा ये राजा साहब पर तब ये निर्वंशी हैं। ये हमारे राजा निर्वंशी हैं। क्यों हम जिस दिन इनका मुखार बन देख लेती हूँ बेटा मुझे दो दो दिन अन्न प्राप्त नहीं होता है। तुम्हें अन्न प्राप्त नहीं होता है, ये तुम सच कहती हो कि हम भी रहते महाराज के साथ हमको भी अन्न प्राप्त नहीं होता है। अगर नहीं मानते हो बूझ लो जाकर के जाओ। ठीक है जा रहे हैं। अरे सरकार। हाँ बतलाओ क्या हुआ राजमंत्री। कोई सच कह रही है मैत्रानी कि आपके महाराज निर्वंशी हैं और हम इनका मुखारबंद देख लेती हूँ तो मुझे अन्न प्राप्त नहीं होता है। राजमंत्री अगर मेरे मुख देखने से इस मेहतरानी को अगर आज अन्न नहीं मिलेगा तो नरवर की जनता जो भी मेरा मुख देखती होगी शायद उसे अन्न नहीं मिलता हो। सारी जनता तुमसे दुखी है। मालूम पड़ता है कि जनता दुखी है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। जाओ मेहतरानी को खर्चा दे दो और इसके घर पर पहरा लगाना, देखना इसे भोजन मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है। अगर इसे भोजन ना मिला तो मैं नरवर की गद्दी को छोड़ करके और तपस्या करने तपिया बन चला जाऊंगा, नरवर में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। और जीना है बेकार जिसके घर में ना हलवाई। भैया मेहमान है दरस गई रे भैया।
रुपया हमारे भाई साहब रामपाल सिंह ग्राम बरजाला निवासी और दीपू भैया, ओ दीपू भैया निकल आओ रामपाल भैया, तुम्हारी मोहब्बत में बरजाला से